बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का माहौल बन चुका है, 19 तारीख से सीरीज शुरू होगी और जाहिर तौर पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है चेन्नई, विराट कोहली पहुंच चुके हैं, वो एक अलग ही स्वैग नजर आया था विराट कोहली के जब वो पहुंचे थे। रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस विराट कोहली ने की है, जाहिर तौर पर विराट कोहली जब प्रैक्टिस करते नजर आए तो एक अलग अंदाज में नजर आए, स्पिनर्स के खिलाफ प्रैक्टिस करते नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में विराट कोहली स्पिनर्स के खिलाफ बहुत आउट हुए तो गौतम गंभीर ने उनको स्पिनर्स के खिलाफ खासतौर पर 45 मिनट प्रैक्टिस कराई, क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। लेकिन चर्चा बांग्लादेश के स्पिनर्स की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है बांग्लादेश के जसप्रीत बुमराह की। जी हां, हैरान हो जाएंगे, बांग्लादेश का एक 21 साल का नौजवान जिसकी चर्चा जसप्रीत बुमराह को लेकर हो, जिसकी तुलना जसप्रीत बुमराह से की जा रही है, वही रफ्तार, वही धार, उसी तरीके से विकेट चटकाना और इस गेंदबाज के खौफ में इस वक्त क्रिकेट जगत, और जाहिर तौर पर भारतीय टीम में भी इस गेंदबाज की बड़ी चर्चा हो रही है। नाहिद राणा इस गेंदबाज का नाम है, 6.5 फिट के आसपास रफ्तार हाइट है और 150 की रफ्तार है इस गेंदबाज की, जाहिर तौर पर इस गेंदबाज की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन बांग्लादेश की टीम को अभिषेक मेरे साथ बोलता, अभिषेक जितना हम कमजोर समझ रहे हैं उतनी है नहीं, क्योंकि इस टीम को अगर देखें, शाकिबुल हसन है, मुस्तफिकुर रहमान जो लगातार टीम इंडिया को परेशान करते हुए आए हैं, उसके बाद में नाहिद राणा है, उसके बाद में तमाम और भी खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है जो बेहतर परफॉर्म, लिटन दास इस टीम में, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, तो तमाम अच्छे खिलाड़ी हैं, मोमिन अल हकिया जो कमाल के अच्छे बल्लेबाज है, तो कमाल की अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस टीम के पास है, कैसी रणनीति? आज हो गया 14 सितंबर, 19 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, यानी टीम इंडिया के पास हम देखें तो 4 दिन अभ्यास का मौका उनके पास होगा, क्योंकि लगभग सारे बड़े खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं, 4 दिन का वक्त मिलेगा टीम इंडिया को जहां वो अच्छी तरीके से अभ्यास कर सकती है। और बांग्लादेश की टीम सामने, तो हम ये ना देखें कि बांग्लादेश की टीम है वो कमजोर, बांग्लादेश की टीम है हल्के में लेकर खेले, ऐसी टीम इंडिया बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेगी। बता देता हूं बांग्लादेश का ताकि लोगों को एहसास हो जाए, हसन राय है, महमूदुल हसन राय, जाकिर हसन है, सदमान इस्लाम है, मोमिन लग बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मुस्तफिकुर रहीम को दुनिया जानती है, शाकिबुल हसन है, लिटन दास है, मेहदी हसन मिराज ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तैजुल इस्लाम है, नईम हसन है, नाहिद राणा जिसकी हम चर्चा करें, जिसको जसप्रीत बुमराह कहा जा रहा है बांग्लादेश का, वो है हसन महमूद है, तस्कीन अहमद एक और तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, सैयद खालिद है, अहमद और जाकिर अली अलिक, मतलब गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है बांग्लादेश की, जाहिर तौर पर बांग्लादेश की टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, मिराज हैं, शाकिबुल हसन आएंगे, उसके बाद में तेज गेंदबाजी इनके पास बहुत अच्छे, तस्कीन अहमद है, राणा इसके इनके पास, और जब हम कह रहे बांग्लादेश का जसप्रीत बुमराह है, नाहिद राणा 21 साल का है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए ये मैच हो रहा है चेन्नई के विकेट पे, और बांग्लादेश की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे गेंदबाज है जिन्हें वो विकेट वो कंडीशन रास आएगा, वहां टीम इंडिया को ये सरप्राइज कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, चाहे श्रीलंका का हो, बांग्लादेश को, जब भी कोई नया सरप्राइजिंग एलिमेंट आता है ना स्क्वाड में, वो उसने सरप्राइज किया है टीम इंडिया को, उसने परेशानी में डाला है अपनी टीम को, तो नाहिद राणा से टीम इंडिया को बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक खेला नहीं है भारतीय बल्लेबाजों ने उनको, अभी तक मतलब उतना ज्यादा सामना हुआ नहीं है, और ऐसे में अगर नया गेंदबाज आता है, मेंडिस आए थे श्रीलंका के, आते उन्होंने हुआ मचा देता टीम इंडिया के खिलाफ, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा, मुस्तफिजुर बांग्लादेश के, देखिए ना मुस्तफिजुर रहमान जब आए थे टीम इंडिया गई थी बांग्लादेश के दौरे पे, बिल्कुल तहस नहस कर दिया था अपनी टीम को, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही नाहिद राणा है भाई साहब, बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चेन्नई की पिच पर उछाल भी है और स्विंग भी है, वहां पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, तो बचकर रहना पड़ेगा, इतना बांग्लादेश की टीम इतनी कमजोर नहीं है, हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुस्तफिकुर, और तभी मुझे लग रहा है शायद टीम इंडिया इसीलिए 13 की रात तक लगभग सारे बड़े खिलाड़ी पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता है 4 दिन का अभ्यास चाहिए ही चाहिए, लगभग 1.5 महीने से उन्होंने बल्ले को छुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है अगले 4 दिन जमकर पसीना बहाएगी टीम इंडिया, जमकर पसीना बहाना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को अगर कमजोर समझ लिया, हल्के में ले लिया, तो भाई साहब सरप्राइज कर सकते हो, दोनों टेस्ट मैच जीतने बहुत जरूरी है WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए, ये दोनों, इसीलिए कह रहा हूं WTC के लिहाज से अब एक एक टेस्ट मैच भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता, हम ये नहीं समझ सकते, ये नहीं सोच सकते बांग्लादेश की टीम है तो हल्के में खेले, क्योंकि अगर वहां रिजल्ट इधर उधर हो गया तो WTC का आपका पूरा जो फिक्स्चर है वो गड़बड़ हो सकता है। एक बात और, अभिषेक अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को उनके घर में हरा के आ रही है,
पाकिस्तान की टीम कहाँ है, हमारी टीम कहाँ है, कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कंपैरिजन कुछ नहीं है, लेकिन नाहिद राणा जिसकी हम चर्चा करें, जसप्रीत बुमराह, उसने पाकिस्तान को भी परेशान किया था। बाबर आजम, रिजवान जैसे बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे, तो भाई साहब बचकर रहना पड़ेगा नाहिद राणा से, क्योंकि 150 की रफ्तार है, लंबे कद का गेंदबाज है, लंबे कद का गेंदबाज अगर रफ्तार वाला होता है तो उछाल उसको मिलती है। तो ये थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ओपनर्स जो हैं वो थोड़ा सा फंस सकते हैं नाहिद राणा के सामने। तो ये जाहिर तौर पर जो 150 की रफ्तार, 6.5 फीट की हाइट, ऊपर से गेंद आएगी तो उछाल प्राप्त होगा, चेन्नई की पिच पर उस तरीके से गेंदबाजों को मदद मिलती भी है, तो थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है नाहिद राणा, 21 साल का जो गेंदबाज है, ये टीम इंडिया के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर प्रैक्टिस शुरू हो गई है स्पिनर्स के खिलाफ, विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, गौतम गंभीर ने उनको समझाया है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में विराट कोहली स्पिनर्स के खिलाफ फंसते नजर आए हैं, और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं भी, और टीम इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है तो विराट कोहली का चलना बेहद जरूरी है, इस लिहाज से विराट कोहली की प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई है। तो आपका इस सीरीज को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि नाहिद राणा नाम का जो ये गेंदबाज है ये टीम इंडिया को परेशान कर पाएगा, क्योंकि जो कोई सरप्राइज आता है ना वो वास्तव में परेशान तो करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अजिंता मेंडिस है, बाद में हालांकि भारत ने उनका करियर बर्बाद करा वीरेंद्र सहवाग ने, लेकिन आकर परेशान उन्होंने जरूर किया था, और ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिहाज से। तो आप इस गेंदबाज को किस तरीके से देखते हैं, इस सीरीज को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन होगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।